वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर आज डीआरएम कचेरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। वडोदरा वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा आज डिविजनल डीआरएम ऑफिस के बाहर अपनी विविध मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार की दोहरी नीति का विरोध करते हुए आज भारत भर में मांग दिवस के रूप में आज धरना प्रदर्शन किया था, जहां पहले से खाली बनी वैसी तमाम रेलवे की खाली जगह को भरना तथा पद की समाप्ति बंद करना, एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की तमाम महंगाई का भत्ता देना, एरियर्स देना वगैरह कई मांगों को लेकर डेढ़ों बार रेलवे तंत्र प्रशासन को रजुआते की गई है। बावजूद कोई भी निराकरण नहीं आते हुए आज तमाम रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर तथा सरकार की दोहरी नीति का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर सूत्रोच्चार लगाए थे। आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा धरना आयोजन करेलू छे के सरकारनी जे नीति छे एमां खास करीने रेल मंत्रालये ऑर्डर इश्यू कर्यो छे कि जेटली पण रेलवेमां पोस्टो होय एनी 50% पोस्टो सरेन्डर करी देवामां आवे। ज्यारे कि सरकार एक बाजू एवं कही रही छे कि 1.5 वर्षनी अंदर 10 लाख जॉब क्रिएट करशे, तो आ कॉन्ट्राडिक्टरी जे एमनो डिसिजन छे। एक तरफ रेलवेमां सेफ्टी कैटेगरीनी पोस्टो खाली छे, लगभग 2,37,295 पोस्टो रेलवेमां खाली छे, अने बीजी बाजु 10 लाख सर्जन करवानी कोशिश करी रही छे सरकार, तो आ सरकारनी नीति अमने समजमां नथी आवी रही। एना सिवाय अमारुं जे कोरोना कालमां अमारुं जे डीए बंद करी दीधुं हतुं, ए डीए पण अमारे पाछुं लेवानुं छे, अने अमारी जे न्यू पेन्शन स्कीम लागू करेली छे जे डिफेन्स माटे लागू पड़ती नथी, तो अमे रेल कर्मचारीओ पण डिफेन्स जेवुं काम करीए छीए, तो अमारुं धरणानो एक मुख्य उद्देश्य ए बी छे कि अमारा रेल कर्मचारीओने एटलीस्ट एनपीएसमांथी ओपीएसमां परत लावा जोईए, आ अमारी मुख्य मांगो छे। मारुं नाम संजय पवार, डिविजनल सेक्रेटरी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।